बहारे जब गुजरती है, मेरा अंडरवियर नहीं मिल रहा और सब्जी वाला ऑडियो बिगाड़ रहा। मिलते हैं भैया, कपड़ा पहन के मिलते हैं। सो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम आशीष एंड यू आर वॉचिंग मी एक्सक्लूसिवली ऑन यूट्यूब राइट नाउ। और आज सीन्स कुछ ऐसे है कि घर वालों ने ना साफ साफ बोल दिया कि ये बाल आज कट जाने चाहिए, अगर नहीं कटे तो रात को इस पर कैंची चल जाएगी। आज जिस अंदाज में और जिस टोन में बोला ना, आज ऐसा लग रहा है सच में कैंची चल जाएगी। तो हमारी ये घनी जुल्फे, ये जो हमारी आंखों के नीचे हमारी लटे आ रही है, इसको आज हमें कटवाना पड़ेगा। वी मस्ट गोना हैव हेयर कट टुडे एंड बिकॉज वी आर फ्रॉम अ रेप्यूटेड फैमिली, सो वी हैव टू लुक वेरी स्टैंडर्ड, वेरी गुड बॉय लाइक आशीष एंड नॉट लाइक दिस ब्लॉग आशीष टाइप हेयर्स। तो आज हम हेयर कट कराने जाएंगे, प्लस बियर्ड भी अच्छी हो जाएगी हमारी होपफुली, और हम अच्छे इंसान दिखेंगे। सो वी विल लुक कूल टुडे। ओहो, बड़ी इंग्लिश आ रही है। हाँ, हमें इतनी इंग्लिश आती है ना कि हम वाटरमेलन नहीं बोलते, हम बोलते इट्स वाटरमेलन, ओके, और ना ही हम बोलते हैं मैक्सिको, हम बोलते इट्स मेक्सिको। सो लेट्स गोना हैव हेयर कट टुडे। दादी यहाँ आओ, तो यहाँ आओ, तो हम ताव आवे, दादी को बुखार आ रहा है। दादी बोल दो मेरे 500 तो हो गए सब्सक्राइबर, 1000 हो जाए, बोल दो 1000 सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर हो जाए, हो जाए, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू सून। और देखो अब हमारा हेयर कट कैसे चेंज होता है। 1 2 तो कैसा लगा मेरा मजाक। एनीवेज अभी हम हेयर कट कराने नहीं गए, बहुत ज़्यादा धूप है यार, देखो आप मेरे मुंह पे कितनी धूप आ रही है। तो अभी हम हेयर कट कराने नहीं गए, शाम को जाएंगे जब मौसम थोड़ा कूल कूल ठंडा ठंडा हो जाएगा, देन वी विल हैव मस्ट हैव गोना हेयर कट। एंड अभी हम यही बोलेंगे, अभी हम लंच करने जा रहे हैं क्योंकि आज आम का रस बना है। आई लव आम, आई लव मैंगो, आई लव एवरी थिंग अबाउट मैंगो, और मैंगो फ्लेवर का जो भी हो मुझे सब पसंद है। हाँ, वो जो आप सोच रहे हो ना वो भी पसंद है मुझे, ठीक है ना, और गलत मत सोचना, बस नो नेगेटिव थाट्स इन योर माइंड, ठीक है। बाकी यही कहूँगा कि दिस वीडियो इज़ नॉट एट ऑल सो मच फनी, फ्यू सीरियस टॉपिक्स, रेसिज्म, वो एलिफेंट वाला केरला में जो हुआ, बाकी कुछ सोशल मीडिया के जो सोशल मीडिया सोल्जर्स हैं ना उनको उनकी औकात दिखाना जरूरी है। जो लोग दूसरों की वीडियोस पे जाके डिसलाइक देते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, पोस्ट पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो औकात दिखाना ज़रूरी है, और हम नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा, ठीक है। तो खाना खा के आते हैं फिर ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो गाइज वी हैव डन आर लंच एंड अभी ऊपर कूलर चल रहा है, नीचे कोई शिफ्ट कर रहा है तो लोडिंग अनलोडिंग चल रही है, और हमारे गली के बच्चे देखो कितना शोर मचाते हैं, बड़े ढीठ बच्चे यार, मतलब सर दर्द करे, उन्हें दुखी कर दिया है। अगर मेरा बस चले ना मैं तो भैया कहीं और रहने चले जाऊँ, पर ये रोटी कपड़ा मकान सब यहीं है तो इसलिए यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये ब्लॉग आज बनेगा और कल अपलोड होगा पक्का, तो इसलिए अभी हम जाएंगे छत पे, खुले आसमान के नीचे, धूप के नीचे हम ब्लॉग करेंगे। तो गाइज ऊपर मैं देख कर आया, धूप तो खैर ठीक है, हो जाएगा ब्लॉग तो करना ही है, क्या करें, लेकिन ऊपर कोई स्टैंड रखने की जगह नहीं है। मेरा जो स्टैंड है वो 6 फुट लंबे आदमी को कवर नहीं कर सकता, तो कुछ टेबल स्टूल चेयर कुछ ले जाना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। तो पहले ढूंढ के आते फिर ब्लॉग बनाएंगे ऊपर। सो गाइज अभी हम जा रहे हैं कंचनजंगा की चढ़ाई पे, और फाइनली वी रीच्ड इन जस्ट 5 सेकेंड्स। यहाँ पे सबके कपड़े सूख रहे, ट्राई करते हैं यहाँ पे ब्लॉग करके, अगर अच्छा हुआ तो, कभी ज़रूरत पड़ी मजबूरी में, लाइक आज मजबूरी है तो यहीं करेंगे आगे से। सो गाइज ये मैंने नीचे स्टूल रखा है, उसके ऊपर मेरा ट्राईपॉड आप देख सकते हो, अराउंड 2 फीट, तो अब ये थोड़ा बहुत मेरे चेस्ट तक आएगा तो अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड ईंटों वाला लगेगा और हम ब्लॉग बना सकते हैं। And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. I look across and expect. Racism. जितना इजी है टॉपिक सुनने में लगता है, बोलने में लगता है, असली में उतना इजी है नहीं, असली में बहुत ही ज़्यादा टिपिकल और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अमेरिका में जो हुआ सबको पता है भैया, एक वाइट पुलिस मैन ने एक ब्लैक जॉर्ज फ्लॉयड को गला दबा के, मतलब उसके गले पे अपना पैर रखा, घुटना रखा, वो चिल्लाता रहा, आई कैंट ब्रीद, लीव मी अलोन वगैरह वगैरह, बट 7-8 मिनट में उसके घुटनों पे पैर रहा तो उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और ये चिंगारी इस तरह भड़की कि पूरी दुनिया में आग लगा दी, स्पेशली सोशल मीडिया पे।
और लोगों को एक नया टॉपिक मिल गया, मीमर्स को और सबको सबको एक नया टॉपिक मिल गया कि ब्लैकआउट ट्यूसडे, ब्लैक ट्यूसडे पोस्ट, ब्लैक स्टोरीज, ब्लैक लाइव्स मैटर, हजारों मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं इन वीडियोज़ पे। यही कहना चाहूँगा भैया, देखो दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए एज अ ह्यूमन, एज अ ह्यूमैनिटी, ठीक है। लेकिन अपने देश में जो रेसिज्म चल रहा है उसका क्या करोगे। हम आज भी कोई नॉर्थ ईस्ट से कोई आता है तो उसको ये कहते हैं देख चाउमीन आ गया, देख मोमोज आ गया, ये भी रेसिज्म है। ये क्लीन एंड क्लियर रेसिज्म है जो हम प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा आप किस तरह की बात बताऊँ मैं आपको, बिहार से लोग बिलोंग करते हैं कोई, डेफिनेटली मेरे काफ़ी व्यूअर्स हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, भैया प्लीज़ ऑफेंड मत होना, सॉरी टू से बट दिस इज़ एन एग्जांपल कि बिहार से जितने भी लोग आते हैं हम कहते हैं ये देख बिहारी है, रोड पे जा रहा होगा उसका टोन ऐसा, उसका जो लैंग्वेज है उसकी थोड़ी टोन भगवान ने अलग दी है, उसको भी हम ऐसे बोलेंगे देख बिहारी है। तो प्लीज़ डोंट प्रमोट दिस टाइप ऑफ रेसिज्म ऑल्सो इन आर कंट्री। बाकियों का पता नहीं मुझे, मुझे ना अमेरिका से कोई मतलब है और ना ही मुझे अमेरिका कुछ दे रहा है, ठीक है। वैसे यूट्यूब अमेरिका का ही है लेकिन स्टिल पहले अपने कंट्री के बारे में देखो, अपने कंट्री की नॉलेज लो, ग्राउंड रिपोर्ट को पता लगाओ, उसके बाद अमेरिका पे आवाज़ उठाओ। फाइनली बारिश रुक चुकी है और हम रिकॉर्ड करेंगे अपनी वीडियो, लेकिन धूप चली गई है बारिश के बाद तो लाइटिंग कम है, लेट्स थोड़ा सा फर्क पड़ा इससे मेरे को लग रहा है। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केरला में हुए एलिफेंट केस को लेके। काफ़ी लोग जानते हैं कि भैया जो केरला में हुआ सबको ब्रीफिंग है, सबको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि पाइनएप्पल में क्रैकर रख के हाथी भूखा था, हाथी नहीं भूखी थी, उसने खा लिया और वो डेड, अंदर बच्चा भी था पेट में वो भी मर गया, और फिर उसके बाद जो फोटोज़ आई अंदर से मांस वास बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाए, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगाई, बहुत अच्छा है भैया, अवेयर करना भी चाहिए। पेटा को भी काफ़ी लोगों ने टैग किया, तो उसके बाद जो स्टोरीज आई दिखी, मतलब नेक्स्ट डे जो मुझे दिखा वो ये था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो जंगली सुअर को पकड़ने के लिए वो ट्रैप मतलब बिछाया गया था कि फ्रूट्स में क्रैकर डाल के रखे गए थे। तो भैया देखो ये कोई तरीका नहीं है किसी वाइल्ड लाइफ को ट्रीट करने का या उससे लड़ने का। अगर जंगली सुअर सच में हार्मफुल होते हैं तो और भी कई तरीके हो सकते हैं। पेटा वालों कहाँ हो आप, कुछ ध्यान दो इधर, हैव अ लुक। तो वो भी प्रजाति है, स्पीशीज है यार, कोई और अच्छा तरीका निकालो। वर्ल्ड वाइड काफ़ी तरीके होंगे यार जानवरों को पकड़ने के लिए, ये तो सिर्फ जंगली सुअर है। लोग शेर को, हाथी को भी पकड़ लेते हैं जो हार्मफुल होते हैं, टाइगर को पकड़ लेते हैं, चीता को पकड़ लेते हैं, तो ये तो सुअर है। तो प्लीज़ फाइंड आउट सम गुड वेज टू ट्रीट वाइल्ड लाइफ, दैट्स ओनली आई वॉन्ट टू से। तो गाइस ऊपर स्टोर रूम में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, माल इधर उधर हो रहा था और शोर हो रहा था, तो मैं नीचे आ गया। फाइनली हम इधर अपनी वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। और केरला वाला जो केस था उसमें पहले एलिफेंट की डेथ हुई, फिर वो सुअर वाली बात आगे आई, फिर उसके बाद ना कुछ और व्हाट्सएप स्टेटस में देख रहा था जिसमें मुझे हंसी आई, लिटरली मुझे हंसी आई। लोग कह रहे हैं कि अगर आप वो जो फीमेल एलिफेंट को जिसने मारा, जिसने पाइनएप्पल क्रैकर्स रखे थे, अगर आप उसे गुनहगार कहते हो तो आप खुद भी गुनहगार हो अगर आप आज रात को डिनर में चिकन या मटन या कुछ भी नॉनवेज खा रहे हो। मैंने कहा ओह वाओ, मुझे सच में इसमें बहुत हंसी आई थी क्योंकि ये क्या है, ये एक तरह का मजाक है, ठीक है। और आपने कहीं से व्हाट्सएप स्टेटस मिला, आपने स्क्रीनशॉट लिया, डाल दिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, ठीक है भैया। अगर आप नहीं खाते तो वेल एंड गुड मत खाओ, लेकिन जो खाते हैं उनको इससे दिक्कत हो सकती है, ऐसे मैसेजेस से ना चाहते हुए भी राइट्स उठ सकते हैं, दंगे उठ सकते हैं ऐसे मैसेजेस से, ठीक है। प्लीज़ ऐसे मैसेजेस स्प्रेड मत करो। और आपको बुरा लग रहा होगा एज अ हिंदू, एज अ गुजराती मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ, नॉट एट ऑल। मैं कई बार, आपने मेरी स्टोरी देखी होगी KFC में, कई बार मैं पार्टीज में भी ले लेता हूँ नॉन वेगन फूड्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नॉन वेज के खिलाफ हूँ। देखो जिसे पसंद है वो खाता है, जिसे नहीं पसंद वो नहीं खाता, और इस लेवल पे आप कोई भी बात नहीं कर सकते क्योंकि आपको जवाब देने वाले हजार बैठे, एक गरीब आदमी से लेके एक करोड़पति तक सब नॉन वेज खाते हैं। तो इधर ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा, और ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस मत लगाना, क्या मिलता है लगा के। अगर लगाने में अपने वेजिटेरियन दोस्तों को भेजो, पर सेम नॉन वेज वालों को कुछ भेजना वेज के बारे में वो अपने नॉन वेजिटेरियन दोस्तों के पास भेजो। ऐसे उल्टे सीधे काम मत करो भैया, सोशल मीडिया में प्यार फैलाओ नफरत नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया वर्सेस चाइना, टिकटॉक बैन, टिकटॉक बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड ऑल। काफ़ी लोगों ने, काफ़ी दोस्तों ने मेरे टिकटॉक डिलीट कर दिया और मुझे उनसे ये उम्मीद थी, बहुत अच्छा किया उन्होंने क्योंकि उनसे कुछ उखड़ भी नहीं रहा था और मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे अरे देख हमने डिलीट कर दिया तू भी डिलीट कर। मैं डिलीट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं करूँगा जब तक मोदी जी डिलीट नहीं करेंगे प्ले स्टोर से, ठीक है। बाकी बात है डिलीट की, ये पता है किन्होंने डिलीट किया, जिनके 500,000 2,000 3,000 10,000 मुश्किल से फैंस हुए थे, कोई एक आध दो वीडियो वायरल हो गई थी उस वजह से, लेकिन जितने भी मिलियंस में जिनके फैंस है ना उसमें से किसी भी क्रिएटर ने टिकटॉक डिलीट नहीं किया क्योंकि उनका घर चल रहा है उस पर, उनकी रोजी रोटी चल रही है उस ऐप की वजह से, उनको उनके एरिया के लोग जानते हैं, पूरे इंडिया के लोग जानते हैं और मे भी पूरे वर्ल्ड के लोग जानते हैं, तो उन वो लोग वो क्रिएटर्स जो जेन्युइन क्रिएटर्स है वो डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं भी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी काफ़ी लोग सिर्फ टिकटॉक की वजह से ही जानते हैं और मेरे काफ़ी फैंस फॉलोअर्स सिर्फ टिकटॉक की वजह से ही आए हैं। दूसरी बात ये कि लोग मुझे कहते हैं कि मित्रो ऐप डाउनलोड कर लो, टिकटॉक बॉयकॉट कर लो। मैंने मित्रो ऐप डाउनलोड किया काफ़ी सीनियर्स लोगों के कहने पे, जो भाई इंटेलिजेंट है सच में, बिजनेस करते हैं बड़े बड़े। मैंने मित्रो ऐप डाउनलोड किया उनके कहने पे, मैंने अकाउंट बनाया, दो वीडियो डाली, कुछ नहीं हुआ, दो लाइक आए, एक पे तीन लाइक आए, ख़त्म। मैंने फॉर यू पेज चेक किया उसका, जो मतलब होम पेज था, फालतू वीडियो, सारी टिकटॉक की वीडियो उठा के वहाँ डाल दी, मैंने डिलीट कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगा जब तक इसमें अच्छे से मतलब सब कुछ नहीं हो जाता, एल्गोरिदम सर सब कुछ, और चार दिन पहले पता चलता है वो ऐप ही प्ले स्टोर से डिलीट हो जाता है। वाओ कॉन्ग्रेचुलेशन टिकटॉक हिटर्स, मित्रो ऐप चला गया है क्यों चला गया है? उसको जिसने बनाया था आईआईटी रुड़की के एक बंदे ने, तो उसने जो सोर्सेस लिए थे वो सारे पाकिस्तान के थे, तो हमें डर था हमारी इंटेलिजेंस कंपनीज को और इंटेलिजेंस जो हमारी इंडिया की है रॉ, कि कहीं हमारे डेटा एक्सचेंज ना हो जाए, तो इसलिए वो ऐप डिलीट कर दिया गया, ठीक है। ग्राउंड नॉलेज लेके बात किया करो मुझसे भी है। देखो अभी हम ना बहुत ज़्यादा समझदार होते जा रहे हैं जब से यूट्यूब पे आए हैं और जब से सोशल मीडिया के अंदर घुसे हैं, तो हमसे तो मजाक चलेगा ही नहीं। तीसरी बात, काफ़ी सोशल मीडिया सोल्जर ये समझते कि हम है तो ये है कि हम नेगेटिव कमेंट कर देंगे तो इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जैसे फैजुबिया की वीडियो पे मोस्ट डिसलाइक वीडियो बना दिया आपने, ठीक है, टिकटॉक पे एक हफ्ते में आपने 4.5 से 1.2 रेटिंग लाई, अगले हफ्ते फिर 4.6 हो गई, कुछ उखड़ा दिखा दी औकात तुम्हारी प्ले स्टोर ने और टिकटॉक ने मिलकर। और काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि मित्रो ऐप को डिलीट करने में टिकटॉक की साजिश है, आप पता लगा लो पहले फिर बताना, ठीक है। और लोग कहते हैं कि टिकटॉक से चाइना को फायदा हो रहा है, चाइना पाकिस्तान को पैसा देता है, पाकिस्तान आतंकवादियों को देता है, आतंकवादी इंडिया पर हमला करते हैं, ये व्हाट्सएप स्टेटस मैंने भी देखा था, लेकिन इसका रियलिटी बहुत अलग है। देर इज अ टर्म डार्क इकोनॉमी हिडन इकोनॉमी, उसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, उसके बाद मेरे पास बहस करने आ जाना, ठीक है। उसके दम पे काफी देश चल रहे हैं और काफी लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, काफी देश करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं, तो टिकटॉक इतनी इजीली तो इंडिया से जाने नहीं वाला है, मोदी जी डिलीट करेंगे। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा जितने भी लोग हेट फैलाते हैं कमेंट में या फिर नेगेटिव कमेंट करते हैं, एक दूसरे की माँ बहन को गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया पे, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो अगर अब मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ना भाई साहब, साइबर बुलिंग ऑनलाइन बुलिंग के बारे में सब पढ़ लिया मैंने, केस कर दूंगा, माँ कसम मतलब मैं अंदर की आवाज़ बोल रही मेरी, तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा, रोड पर ले आऊँगा तुमको, और जो जो तुमने बोला है ना सारे स्क्रीन शॉट लेके हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दूंगा, तो तुम्हारा सोशल स्टेटस तो खत्म ही हो जाएगा, बाकी जो फैमिली में थोड़ी बहुत इज्जत होगी वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। प्यार देने आए हो प्यार से रहो, नहीं देखनी वीडियो अनसब्सक्राइब, गो टू हेल, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और फॉलो ऑन टिकटॉक, टिकटॉक के लिए 15,000 फैन होने वाले, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम इस पे 1100 हो चुके हैं, सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब इस पे शायद 600 हो चुके होंगे जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, और बस।